ओके, तो मॉर्निंग 7:34 हो रहा है, टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस और आज का दिन है 29 मई 2023 और बर्फ पे नहीं और पहाड़ पे बर्फ जमी हुई है, साथ में बादल है। सामने देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है और हम हैं लाचेन में। क्या हो गया? चले, और हम लाचेन से भी निकल रहे हैं और आज का हमारा डेस्टिनेशन है गैंगटॉक, जो कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 134 किलोमीटर्स है। और हमें ये गूगल ने बताया है कि आपको 4 से 4.5 घंटे लगेंगे। हमने होटल वहाँ बुक कर दिया है। आज गैंगटॉक में, अगर हम गैंगटॉक बोल रहा हूँ मैं यार, गैंगटॉक, अगर आज मैं गैंगटॉक में हम लोग पहुँच जाएंगे 11-12 बजे तक, अगर सब कुछ सही रहता है, रोड सही मिलती है, सब कुछ बढ़िया रहता है, तो गैंगटॉक में आज जाके यस एमजी रोड घूमेंगे, गैंगटॉक में मारेंगे, तो मस्त मज़ा आ रहा है यार, एक नंबर अल्टीमेट वादियाँ। जाने का बिल्कुल मन नहीं था। इनकमिंग क्या हो गया? और यहाँ पर देखिए आपको एक खूबसूरत झरना भी दिखाएंगे अभी आने वाला है, तो बने रहिए चैनल पर। और भाई साहब, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, ये ट्रिप अच्छी लग रही है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करें, बल्कि सिक्किम आए, बोरिया बिस्तर बांधो और सिक्किम आ जाओ उठा के सीधे। आई डोंट वॉन्ट माई पीपल टू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज, क्योंकि आपको सिक्किम पसंद आना चाहिए। मेरा मेन मकसद आपको उस कुएं से बाहर निकालना है जहाँ पे आप फंसे रहते हो साल भर। यार अपने लिए कुछ पल तो निकाल ही सकते हो, ठीक है, अपनी बीवी से झगड़ सकते हो, बच्चों को समझा सकते हो, उनके साथ भी आ सकते हो। ये देखो क्या खूबसूरत झरना है यार, अल्टीमेट यार, अल्टीमेट मतलब मोस्ट ब्यूटिफुल। तो मैं यही बता रहा हूँ कि आपको अपने सपनों के लिए, अपने लिए कुछ ना कुछ वक्त तो निकालना पड़ेगा अपनी खुशियों के लिए, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो आपका परिवार भी खुश रहेगा। आप ये मान के चलिए, तभी आप उनको खुश रख पाएंगे, क्योंकि खुशी का कोई पैमाना नहीं है। वो देखो ऊपर झरना आ रहा, नीचे उतरते हुए, भाई साहब, सिक्किम इज़ वंडरफुल। मुझे तो मोहब्बत हो गई है सिक्किम से और सिक्किम के लोगों से, खाने से नहीं हो पाई बस, बाकी सब तो ठीक है, चल रहा है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे आगे रोड पर। If I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't have a job to find. And if I were tonight, if I'm so tired tonight, I'll fall asleep when I'm home, when I'm home. ओके, तो अभी हमने चेक पोस्ट अपना क्लियर कर लिया है, मींस हमने अपना परमिट जो था वापस कर दिया है, रिटर्न कर दिया है। और हम लोग अभी ऑलमोस्ट 38-39 किलोमीटर चल के आ गए हैं। टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया है, 26 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। चुंगथांग तो हम क्रॉस कर ही गए हैं और अब हम जा रहे हैं मंगन की तरफ, और यहाँ से मंगन जो है शायद 20 ही किलोमीटर कुछ बचा होगा, तो कितना कम बचा है। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो इतना ही अपडेट करना था फिलहाल, और टाइम हो चुका है 8:57, हमें निकले हुए अभी 1 घंटा ही हुआ है बस, 1 से 1.25 घंटा, और अब हम मंगन में रुकेंगे, एक ब्रेक लेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, सुबह से सिर्फ एक चाय पिए, क्योंकि इस बार केले हमें बिल्कुल भी नहीं हैं, पेले मिले नहीं एक्चुअली केले, तो वरना खा लेते। सबसे अच्छा सुपर फूड वही होता है, क्योंकि मॉर्निंग में तो, और यहाँ पर थोड़ा सा स्लश बढ़ता हुआ और गाड़ी को पानी में से कुदा रहा हूँ मैं भी। आ रहे, ये मिट्टी सरक ना जाए बस। बाकी रोड बढ़िया रहता है, चुंगथांग से रोड जो है वो आपको डबल लेन मिल जाएगा, रहेगा कर बट मिलेगा आपको डबल, उधर आपको सिंगल लेन मिलेगा। ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, मिलते हैं आपसे मंगन में। उस नज़ारे तो देख लो यार एक बार, खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले लो दूर। ये देखो, ये एक वाटर क्रॉसिंग आ रही है, और ये देखो नज़ारा, क्या नज़ारा है, नज़ारा ही नज़ारे हैं भाई। और ये लोग बेचारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये ऊपर से पत्थर गिरते रहते हैं, ये इनको ठीक करते रहते हैं। इसी तरीके से हम घूम सकते हैं, बस ये है, तो इनकी मेहनत है इसलिए हम घूम पा रहे हैं। अगर ये मेहनत ना करें, ये लोग इतनी मशक्क़त ना करें, तो कोई भी यहाँ नहीं पहुँच पाए। सबका अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है ऊपर से लेकर नीचे तक। और यहाँ पर एक बहुत ही
जंबो वाटर क्रॉसिंग लग रही है मेरे को, जंबो। गाड़ी मैंने कुदा दी है बहुत आराम से भाई। ओए ओए ओए, रुक जा रुक जा रुक जा भाई, क्या कर रहा है यार ये, देख रहा तुम भाई? भाई भाई सैडल बैग से देखना मेरा, ठीक है। अरे गाड़ी थोड़ा स्लिप मारी, मेरे ख्याल से यही रोड इतना ही ख़राब है शायद बस। हाँ आगे से तो क्लियर दिख रहा है। यही था अच्छा, यही हाँ उस तरफ था, इस तरह था पता नहीं। ये था होटल संजना मंगन में, हम लोगों ने यहाँ पर एक मैगी और एक मोमोज खाए। मोमोज काफ़ी अच्छे थे, वर्थ थे। अब यहाँ से गैंगटॉक सिर्फ 70 किलोमीटर्स दूर है, तो जस्ट रॉक एंड रोल। टाइम हो रहा है 10:30, 1 घंटा 2 घंटे लगना चाहिए तो 12:30 बजे तक पहुँच जाएंगे यहाँ तक। हाँ वो बोल रहा है दिक्चू से जा, छोटा पड़ेगा। मैंने दिक्चू विक्चू नहीं आ रहा है अब दोबारा से लौट के, कुछ नया भी तो ट्राई कर रहा है, वही क्या दिक्चू विक्चू देखना। सही बोल रहा। तो 10:30 बज रहा है और टेम्परेचर 29 हो गया है भैया। टेम्परेचर इतना तेज बढ़ा है ना कि मतलब हवा ही लगी, एकदम 14 से 24 पहुँच गया सीधे। चलो इतना ही अपडेट करना था। अभी 58 किलोमीटर हुए हैं हमारे, आगे और नज़ारे एक नंबर हैं, ये तो चलते ही रहेगा। अब नज़ारे तो नॉर्मल हो चुके हैं। थैंक यू विजिट अगेन। और हाँ मंगन, अगर आप लाचेन लाचुंग जा रहे हो ना तो मंगन में ही पेट्रोल ले लो, क्योंकि इसके बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा आपको, ये बता दिया हमने। बाद में नहीं बोलना कि एडवेंचर सिंह पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देता। ये जेरी कैन यहाँ पर टंगे हुए बड़ा, जिसको चाहिए वो ले सकता है यहाँ से। तो मंगन में आप जेरी कैन ले लो, पेट्रोल भर लो। लंबा टूर है तो छोटा टूर है, हिमालयन जैसी अच्छी अच्छी बाइक है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें टैंक फुल करा लो। मैंने टैंक फुल कराया था, अभी भी मेरा हाफ टैंक बचा हुआ है, मतलब 7 लीटर ही खर्च हुआ है अपना। तो जैसी बाइक लेंगे तो उसमें 30% ही बचेगा, देख लें भाई। बाकी आपकी जिम्मेदारी, अपनी बाइक देख लें कौन सी लेना है आपको, वो आपके ऊपर है। 220 cc है और ये 411 cc है, जस्ट डबल चल रहा है बाबा। चलो 14:30, हाँ मिलते हैं हम आपसे आगे। Focused on my own way, with never looking back to those who lived in fear. There was nothing I could do, there is nothing you said that could make me realize how much lucky I was. Just out of reach of the fire, was not aware of the nightmare. But when I stopped to see through sight, begging for help, begging for hope, just need to open my eyes now to try to change and to search out. ओके तो क्विक अपडेट ये है कि हम आ गए हैं गैंगटॉक होटल में। हमारा जो है उसका नाम है ग्रेस रेजिडेंसी, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, एकदम नई की नवेली प्रॉपर्टी है। अच्छा रूम है, कोजी से रूम है, ठीक है। और यहाँ पे आते आते हमारे पसीने छूट गए, यहाँ पे वाकई में बहुत गर्मी थी। हम लोग थर्मल पहन के आए थे और वो थर्मल हमें यहाँ पे उतारने पड़ गए हैं, यहाँ पे सुखाने के लिए हमने डाला हुआ है। टेम्परेचर आई थिंक होगा 31 के आसपास। तो बाकी जो सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, एक नंबर जगह है। थोड़ा सा व्यू देख लो आप पीछे का। हम लोग MG मार्ग जो है ना, वहाँ से कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर है डेंजोंग सिनेमा, उसके पास में हम लोग रुके हुए हैं। पार्किंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट हमें लग रहा है कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो हम सीधे देख सकते हैं खिड़की से। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ियाँ कहाँ पर खड़ी हैं हमारी। ये देखिए हमारी गाड़ियाँ वो सामने खड़ी हुई हैं, और सामने है वो सिनेमा है, और उसके ऊपर से ही कहीं MG माकरी जाते हैं। तो बाकी तो सब फर्स्ट क्लास है। अब बस नहा धो लिए हैं, खाना खाने का वक्त हो गया है, खाना खाएंगे। अभी जो टाइम है मैं आपको बता दूँ, टाइम का अपडेट दे रहा हूँ। टाइम अभी हो रहा है 3 बज रहे हैं, और खाना खाने के बाद हम लोग फिर घूमने फिरने निकल जाएंगे, क्योंकि सोने का टाइम है रात में। तो अभी तो दिन का वक्त है, तो घूमेंगे फिरेंगे एक्सप्लोर करेंगे। थोड़ा सा मेरे शूज़ की हालत थोड़ी टाइट हो गई, तो देखते हैं कुछ अगर करेंगे तो बताएंगे। MG मार्ग जाएंगे, मस्ती करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे आगे। अभी हम लोग बैठे हुए हैं MG मार्ग पर, और यहाँ पर हमने अभी खाने का ऑर्डर किया, शेर पंजाब रेस्टोरेंट है। अच्छा हमने अभी क्या मटर पनीर मसाला ऑर्डर किया है, और साथ में तंदूरी रोटी, तो खाना आएगा, खाना खाएंगे। बस घूम रहे फिर रहे, रेस्ट कर रहे हैं आज भाई, रेस्ट करने का दिन है। थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ से फिर वापस जाएंगे होटल। अभी तो शाम तक यहीं रहने का है, इस एनवायरमेंट का आनंद लेने का है। क्या जो वैसे बोलना, मैं जो भाई मूँगफली खा रहे हैं चटनी में, हमारी कोई खिला रहे हैं।
ये कॉम्प्लीमेंट्री है। चलो एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैं घूम रहा हूँ एमजी रोड पर, लेकिन तुषार भाई खो गए क्योंकि हम लोग साथ ही में घूम रहे थे, लेकिन अभी क्या हो गया, तुषार भाई जो है वो गायब हो चुके हैं। अब तुषार भाई को जिम्मेदारी से ढूंढ के उनको पहुँचाना है वापस अशोकनगर। ये कहाँ गायब हुए पता ही नहीं चल रहा है, और यही देखने के लिए मैं उनको ढूंढने जा रहा हूँ। कहाँ हो तुषार, कहाँ हो तुषार? ये नज़ारा है इस एमजी रोड का, मतलब वर्थ प्लेस है। अगर आप गैंगटॉक आ रहे हो आधे दिन में आ जाओ यहाँ पे आके, पूरा रेस्ट करो, चिल मारो, अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं और अच्छी प्लेस है। That's all। तो भैया ऐसा है कि सिक्किम आया और सिक्किम आके अगर चाय नहीं पी तो फिर आपने कुछ नहीं पिया। एम जी रोड पर चाय पी रहे हैं, मस्त मज़ा आ रहा है चाय पीने के बाद। और हाँ, एक नंबर अल्टीमेट शॉप है ये, यहाँ पर हम लोग चाय पिए।